जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री पीवीआर सुब्रमण्यम जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य महोदया सभागार में उपस्थित, विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, इस मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापकगण, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं यहां उपस्थित सभी कोरोना वॉरियर्स, जम्मू कश्मीर के हर शहर हर पंचायत में इस भयंकर महामारी के समय जनता की सेवा में जुटे सभी डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर्स, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा समाज के उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस पूरे संकट काल में कड़ी मेहनत की है, इन सबको मैं नमन करता हूं। पिछले 10-11 महीनों से जिस तरह से आप सबने जन स्वास्थ्य के लिए काम किया है, मैं समझता हूं वह किसी तपस्या से कम नहीं है। एक बड़ा लंबा दौर था जब दूर दूर तक उम्मीद की किरण नहीं दिखाई पड़ती थी, तब भी अपने स्वास्थ्य, अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर निस्वार्थ भाव से आप सबने जो काम किया उसकी सराहना के लिए मुझे लगता है शब्द छोटे पड़ जाएंगे। शुरुआती दिनों की चर्चा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने की है, मैं उस तकनीकी विवरण में जा समझता हूं, लेकिन आप सबके जज्बे, त्याग और सेवा भावना से ही जम्मू कश्मीर के लोग इस संकट से बाहर निकल सके हैं, इसलिए मैं आप सबको फिर से एक बार हृदय से साधुवाद देता हूं। अब जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस देश का, मुझे लगता है कि प्री पैंडमिक और पोस्ट पैंडमिक ये दोनों बातें जरूर आने वाले दिनों में लिखी जाएंगी, और यह भी कहा जाएगा कि मानवता की सर्वोच्च सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने और समाज के विभिन्न वर्गों ने जो काम किया वह निश्चित रूप से सराहनीय नहीं है बल्कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। आज का दिन निर्णायक, इस लड़ाई का निर्णायक दिन मैं कहूँ, और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का प्रारंभ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज प्रारंभ होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर मैं देखूं, बताया गया है, तो बाकी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में देखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रभावी नियंत्रण करने में हम सब सफल रहे हैं, इसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है, कुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। तैयारी हमारी पूरी है और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिनको टीका लगेगा वो ये न मान लें कि टीका लगने के बाद हम पूरी तरह स्वस्थ हो गए। 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा और दूसरे टीके के 14 दिन बाद तब आप ये मान सकते हैं कि नहीं, अब हम खतरे के बाहर हैं, अब हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है। बीच में जो SOPs बनाई गई, जो सावधानियां बरतने को कही गई, मैं समझता हूं ये हमें टीकाकरण के बाद भी सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहले प्रधानमंत्री जी ने या एक सामान्य आशा हो गई थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मुझे लगता है कि दवाई के बाद भी 45 दिन तक ढिलाई नहीं बरतनी है, ये निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रखने की जरूरत है। ये पूरा राष्ट्रीय अभियान के मोड में स्टार्ट हुई है, यहाँ पे हमारे उपराज्यपाल जी ने यहाँ भी GMC जम्मू में भी वैक्सीनेशन सेंटर पे उनकी निगरानी में ये शुरुआत की गई, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे 40 सेंटर्स में ये शुरू हुई है। तो यहाँ पे कितने स्टाफ को लगाई गई है वैक्सीनेशन? आज के सेशन में पहले दिन 100 हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लगेगी।
तो ये आम जनता को कब तक लगने के चांसेस हैं इसके? जल्दी ये इसके बाद हमारे दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें आर्मी, पुलिस, रेवन्यू और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्कर्स होंगे, उसके बाद ये आम जनता, पहले 50 साल से ऊपर लोगों को और उसके बाद जो लोग बाकी बीमारियों से भी पीड़ित हैं उनको ऐसे फेज्ड मैनर में ये सब तक पहुँचाई जाएगी। इस साल के स्टार्टिंग में हमें इतना अच्छा तोहफा मिला, इसको लेकर लोगों का क्या कहना चाहेंगे? लोगों को बिल्कुल रीअश्योर्ड और सुरक्षित महसूस करने की और भी काफ़ी वजहें अब बन चुकी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है अभी डिसकंटिन्यू करें। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संदेश में आज ये बोला कि वैक्सीन के बाद भी ये सारे जो हमें प्रिकॉशंस ले रहे थे लेते रहने की ज़रूरत। अभी कितने डोजेज एक पेशेंट को लगाए जाएंगे? एक पेशेंट को ये जो करंट को वैक्सीन है, वैक्सीन ये पर्टिकुलर वाली, ये 28 दिन के गैप के बाद दो डोजेज हर बेनिफिशियरी को दी जाएंगे।